हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन किसको किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का जो रूप उसकी संख्या बताए उसे वचन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि संज्ञा शब्द है जो संख्या बताए, गिनती बताए। जैसे मेरे पास एक पेन है, पेन क्या है, कलम क्या है, संज्ञा। ये एक है कि अनेक है जो बताए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वचन। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो संज्ञा शब्द एक का बोध कराए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन। और जो संज्ञा शब्द एक से अधिक का बोध कराए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन। जैसे आपकी पुस्तक में दिया हुआ है एक वचन, एक गुड़िया। यहाँ पर किसका चित्र है? गुड़िया का। ये क्या है? एक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक वचन। लेकिन नीचे के चित्र में क्या दिया हुआ है, एक और दो गुड़िया का चित्र दिया हुआ है। तो एक से जब अधिक है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बहुवचन। इसलिए जब एक संख्या रहेगी तब उसे क्या बोलेंगे, एक वचन। जब एक से अधिक रहेगी तब इसे क्या बोलेंगे, बहुवचन। उसी तरह क्या है, एक कुर्सी, एक कुर्सी क्या हो जाएगा, एक वचन। एक संख्या का बोध करा रहा है और यहाँ एक से अधिक कुर्सियां हैं तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन। उसी तरह पेड़ में एक कौवा बैठा हुआ है, डाली में एक कौवा बैठा हुआ है, लेकिन नीचे एक डाली में अनेक कौवे बैठे हुए हैं। इसलिए जब एक कौवा रहेगा तब उसे क्या बोलेंगे, एक वचन। और जब एक से अधिक रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बहुवचन। उसी प्रकार यहाँ आपका क्या है, एक कलम। एक जब रहेगा संख्या तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक वचन। और जब एक से अधिक रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन। इसलिए संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और जब संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। यही है वचन।